हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्या हालचाल, मैं हूँ आर्य और आप देख रहे हो कॉमन एंड। सो लेस्टर ने हमें बोला था कि मेरा एक दोस्त है, उसे तुम्हारे लिए एक काम है, तुमसे एक काम है। सो मैंने बोला ठीक है, मैं जाता हूँ, लोकेशन भेज दो। सो उसने मुझे लोकेशन भेज दिया, अब मुझे वहाँ पे जाना है। एंड बोल रहा है वो कि मुझे वो सिर्फ $100,000 देगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो ये काम बहुत अच्छा है एंड मुझे काम चाहिए भी। तो अभी टैक्सी आ रही है एंड जल्दी से जाते हैं एंड देखते हैं क्या है काम। लगता है थोड़ा हार्ड काम है, इसीलिए $1,000 दिया जा रहा है मुझे। $1,000 बहुत ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है। टैक्सी आ चुकी है तो जल्दी जाते हैं वहाँ पे, वो बिल्डिंग तरफ। कहाँ है वो बिल्डिंग? सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं टैक्सी से एंड जाते हैं, देखते हैं कहाँ है वो लेस्टर का दोस्त। उसका नाम डेमार है, ठीक है। सो डेमार के पास जाते हैं जल्दी से एंड फॉर जल्दी से जाते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, ये क्या? तो इसने फ्रैंक इस कैमरामैन ने फ्रैंकलिन के आंखों पे फ्लैश जला के फ्रैंकलिन की आंखों को बहुत दर्द पहुंचाया है गाइस। सो फ्रैंकलिन इस पे बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुका है एंड फ्रैंकलिन बोल रहा है ये अपना कैमरा दो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सो बोल रहा है कि मैं गैंगस्टर से बात नहीं करता, आई एम रियली सॉरी, मुझे डर लगता है गैंगस्टर से। सो उस फिर बोलता है कि एक काम मेरा करोगे? तो मैंने बोला ठीक है, क्या काम है बताओ। सो उसने बोला है कि मेरा बाइक चला के आगे एक लिमोजिन जा रही है, वहाँ उसके पीछे आप ले जाओ और मैं फ़ोटो खींचना है मुझे। सो मैंने बोला ठीक है, तो कितने पैसे दोगे? सो उसने बोला कि मैं $1,500 दूंगा। सो मैंने बोला $15,000 तो लगता है ये बहुत ही आसान काम तो नहीं है, पर यहाँ पे खींचने में इस बंदे को बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो उसका हमें आधा देगा 50%। सो हमने बोला ठीक है, ये जो बंदा है ये एक सेलिब्रिटी का फ़ोटो खींच के हमें कहीं बेचेगा और उसे $30,000 मिलेंगे एंड वो हमें $15,000 दे देगा। सो मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो मैं बोल दूँगा फ्रैंक लेस्टर के दोस्त को कि हमें काम आ गया था इसीलिए हम नहीं जा पाए। तो जल्दी से इस लिमोजिन का पीछा करते हैं एंड फ़ोटो खींचते हैं। ये जो बाइक है इसका रॉकेट है जिसका नाम, इसमें एस्केलेशन हो ही नहीं रहा है बहुत। अगर मैं यहाँ पे 5 गियर पे जाता हूँ तो यहाँ पे एकदम धीरे हो जाता है स्पीड में। जल्दी से इसे फ़ोटो खींचने बोलते हैं एंड इससे $50,000 लेते हैं, क्योंकि हमें $15,000 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड हमें $1,000 मिल रहा था एक हार्ड काम पे। यहाँ पे तो ये हार्ड ही है बट इतना भी हार्ड नहीं है और यहाँ पे मुझे $15,000 मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी डील है। अच्छा हुआ इसने मेरे आंखों में फ्लैश मारा और ये डर के मारे ये बोल दिया, नहीं तो वो किसी और को ले जाता, क्योंकि इसे फ़ोटो भी खींचना है तो बाइक में चलाता और इसकी बाइक इतनी खटारा है, स्पीड होती है फिर धीरे हो जाती है। सो जल्दी से इसका खींचते हैं फ़ोटो एंड ये बंदा लिमोजिन लेके तो बड़ा स्पीड में निकल रहा है। सो जल्दी से जाते हैं एंड ये बोला है कि अब जल्दी से फ़ोटो खींचो, मैं जो है फ़ोटो जो ख़रीदता है उसको मैं जो देना है क्योंकि मेरा राइवल आ जाएगा एंड सामने से राइवल इसका आ भी चुका है। सो ये फ़ोटो अगर खींच लेगा तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये बंदा फ़ोटो बेच देगा एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। पर मैं अगर मुझे अगर पैसे नहीं मिले मैं इसे मार दूंगा, सीधे ख़त्म कर दूंगा। तो जल्दी से जाते हैं, पर ये बंदा बहुत सारे फ़ोटो खींच रहा है तो जल्दी से इसे, अब पहले तो ये बंदा बहुत सारे फ़ोटो खींच चुका है तो इसके राइवल को मारना पड़ेगा मुझे। सो जल्दी से इधर जाते एंड इसके राइवल को टप से हेडशॉट दो देना पड़ेगा दोनों बंदे को, क्योंकि दो बंदे हैं, एक बाइक चला रहा है एक फ़ोटो खींच रहा है, दोनों को सप्रेसर गन से टप से हेडशॉट देना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों फ़ोटो दे देंगे फ़ोटो का जो ख़रीदता है उसको। सो ये बंदे ने भी फ़ोटो ले ली है, तो ये बंदा उसे मारवा के जैसे कि बोल रहा है कि उसे मार दो, तो मैं बोला ठीक है मैं मार दूंगा क्योंकि $15,000 की बात है, ऐसे तो हम हर रोज़ मारते ही रहते। सो यहाँ पर हम लोग इसको एक ख़त्म, दोनों गया, अच्छा नहीं गया ये फिर से बच के। यहाँ पे फ्रैंकलिन की स्पेशल एबिलिटी यूज़ करते के साथ यहाँ पे हम लोग ने इन दोनों को मार दिया है एंड पुलिस भी नहीं आई है। तो जल्दी से जाते हैं जहाँ ये बंदा बोल रहा है, जहाँ पे फ़ोटो को ख़रीदा जाता है, सो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका, तो ये बंदा जाएगा वहाँ एंड फिर तुरंत हमें हमारे उसका बैंक अकाउंट अपना दे देंगे, ये तुरंत हमें पैसे दे देगा, हमारे सामने ही देगा, क्योंकि हम अगर ये बंदे को जानते नहीं है फिर अगर नहीं दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो इसे इसकी जगह पे पहुंचाते हैं एंड हम लोग रोड का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हुए, तो जल्दी से इसकी जगह पे पहुंचते हैं एंड देखते हैं, इसे पहले अपना बैंक अकाउंट दे देंगे, ठीक है ना। सो एक गाड़ी, अरे इस गाड़ी की एस्केलेशन होती भी नहीं है, कैसे गाड़ी है, बहुत खटारा गाड़ी है। यहाँ पे दिखने में तो अच्छी लग रही है पर चल अच्छा नहीं रहा है। सो ये जगह पे हम लोग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे से उतारते हैं, देखते हैं हम लोग तो उतर गए हैं यहाँ पे, उतरो। ओ ये बहुत आदाब वाले हैं, मुझे $15,000 दे रहे तो मतलब जगह ही पे उतारना है।
ठीक है चलो उतार देते हैं इसे जगह पे एंड इसे अपने बैंक अकाउंट दे दिया है, इसे एसएमएस कर दिया है एंड बोला कि मैं तुम्हें दे देता हूँ आधे घंटे में सारे 15,000 डॉलर। तो मैं बोला कि दे देना मुझे, अगर नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसका नंबर भी ले लिया है, इसका घर का भी पता है मुझे, अगर नहीं दिया तो इसे टपका दूंगा इधर पर। ये दे देगा मुझे, अच्छा आदमी लग रहा था। सो देखते हैं ये जा रहा है एंड ये पागल सर क्यों कर रहा है। तो ठीक है ये चल गया है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।